जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वैदिक शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में 5 यज्ञों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इन सभी की चर्चाएं होती हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पितरों को याद किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उससे पितृपक्ष शुरू हो जाता है। पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में, पुराणों में, संहिताओं में, सभी में बताया गया है कि जब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती तब तक ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में 5 यज्ञ होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर भादो पूर्णिमा दिन शनिवार से इन्हें आज से हो रहा है, जो अश्विन माह के अमावस्या तक 15 दिनों तक है। और 3 प्रकार के ऋणों में पितृ ऋण को उतारने का सबसे सरलतम उपाय भादो में पिंडदान करना होता है। और कई तरह के दोष होते हैं जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। उन्हीं दोषों में से एक सबसे बड़ा दोष होता है पितृ दोष, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, यदि हम उनका ऋण नहीं उतारते हैं, उनके निमित्त कुछ करते नहीं हैं, तो हमें उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ हमारी पीढ़ी में भी उतरती है। हम परेशान होते हैं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, कोई ना कोई समस्या जीवन में लगी ही होती है। लेकिन यदि कुछ ऐसे उपाय, यदि हम पर पितृदोष चल भी रहा है, हम परेशानी में हैं, और यदि हम कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय करते सभी हैं, भोजन भी सभी कराते हैं, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य किया जाता है हर घर में। पितरों के निमित्त हर हिंदुओं के घर में सभी किया जाता है, पिंडदान भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं ब्राह्मण को उन पितरों के निमित्त। लेकिन कई बार होता है, हम यदि रीति रिवाज से, विधि विधान से वह कार्य नहीं करते हैं, तो हमें उनके कोप का भजन बनना ही पड़ता है। और यदि ज्योतिष मान्यताओं को माना जाए तो कुंडली में 2, चौथे, 5, 7, 9 और 10 भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लग जाता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपना और अपनी संतान का कल्याण करने के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म और तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ ही समय अवधि में, इस समय में कुछ नियमों का पालन करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितर देव किसी ना किसी रूप में अपने वंशजों को खोजते हुए घर के दरवाजे पर आ सकते हैं। और आते ही हैं, इसलिए पितृपक्ष में दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष में भूल से भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन जानवरों को मारना या सताना नहीं चाहिए। आप जिसमें सक्षम हो, एक रोटी दे सकते हैं तो एक रोटी दीजिए, खाने को दे दीजिए, लेकिन उन्हें मारिए नहीं। पितृपक्ष में कौओं, पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उन्हें पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ये 16 दिन ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ पितृपक्ष को ध्यान रखते हुए, पितरों को ध्यान रखते ही अपने जिस भी तरीके से संयम कर सकते हैं अपने जीवन में, संयम अवश्य रखना चाहिए। खान पान में भी पूर्णता, सात्विकता बरतनी चाहिए। मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन का भी त्याग करना चाहिए। खैर, ये बातें कहने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो ना छोड़िए। लेकिन हमें सात्विकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य अवश्य पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में स्थान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, जैसे गया, प्रयाग, बद्रीनाथ इत्यादि,
परंतु जो लोग इन स्थानों पर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है, फाइनेंशियल भी मजबूत होना पड़ता है और शारीरिक भी मजबूत हो तभी जा सकते हैं। यदि जो लोग नहीं सभी लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो लोग नहीं जा सकते हैं वह अपने घर के आंगन में या अपनी जमीन पर ही कहीं भी तर्पण कर सकते हैं। दूसरे के जमीन पर तर्पण करने से पितर तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। श्राद्ध करने वालों को पितृ कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। लाल एवं सफ़ेद तिल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाने का नियम है। भोजन पूर्ण सात्विक एवं धार्मिक विचार वाले ब्राह्मण को ही करवाना चाहिए, क्योंकि आप तो करवा देते हैं ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को आप आमंत्रित करके भोजन करा देते हैं। साधारण व्यक्ति यही समझता है कि ये ब्राह्मण है, लेकिन प्रयास ये करें कि वह सात्विक हो और धार्मिक विचार वाले हों, उसका प्रतिफल आपको और अच्छा मिलता है। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नियम होते हैं। यदि आप भी ब्राह्मण हैं तो इन बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद, क्योंकि आप किसी के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किए गए हैं और वहाँ गए आप भोजन किया, तो उसके बाद आप कुछ ना खाएं, उसी समय कुछ ना खाएं, इस दिन अपने घर में भी भोजन नहीं खाएं। शाम का कर सकते हैं, लेकिन सुबह का भोजन करने के बाद आपको अपने घर में जाकर फिर से भोजन नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नियम का पालन नहीं करता वह प्रेत योनि में जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्रों में जो लिखा है वह हम पहले से ही हमें बता दिया गया है, बस ये है कि हमें जानकारी का अभाव होते हुए हम कुछ भी गलतियां करते रहते हैं और इससे हमें उसका फल भोगना पड़ता है। प्रयास करें कि इन 15 दिनों में आप बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएं, क्योंकि हमारे पितृ जब हमारे घर में आते हैं, हमारे पूर्वज जब हमारे घर में आते हैं तो दोष लगता है यदि बाल और दाढ़ी बनवाई जाए तो। और पितृपक्ष के दौरान ये जो 15-16 दिन होते हैं इसमें आपको सात्विक भोजन ही घर में बनाना चाहिए। यदि लहसुन प्याज का आप उपयोग नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा, तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा श्राद्ध कर्म दिन के समय ही किए जाते हैं, शाम के समय करना निषेध होता है। आप सुबह दोपहर के समय आप ये कार्य करें। आप जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है और आप पंडित को आमंत्रित करते हैं तो आप दिन के समय ही आमंत्रित करें। और सबसे अचूक और बहुत ही अच्छा उपाय, आप इन 16 दिनों में एक कलश साफ स्वच्छ तांबे के कलश में जल भरें, थोड़ा सा यदि गंगा जल है तो वह अपने कलश में जल के साथ डालें, उसमें थोड़ी सी काली तिल लेकर और भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक कलश इन 16 दिनों में, यदि आप प्रतिदिन करते ही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक कलश जल भोलेनाथ को समर्पित करने का इन दिनों में विशेष महत्व है, क्योंकि आप कुछ विशेष नहीं भी कर पा रहे हैं और यदि आपने भोलेनाथ को एक कलश जल समर्पित किया काले तिल डालकर, तो आपके आपको कोई भी पितृ दोष क्या, काल सर्प दोष क्या या और कोई दोष लग ही नहीं सकता। इसलिए इस उपाय को आप अवश्य आजमाएं, और जो मैंने बताया उन उपायों को सुनकर, उन रीति रिवाजों को सुनकर उसी विधि से करते हैं तो आपको पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य हो। ओम नमः शिवाय।